हेलो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट. हम आज अपना हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं. वेरी फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसके इंट्रोडक्शन में हम आज क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि फ्रांस की क्रांति, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप 9th में पढ़ के आए थे बेटा, फ्रांस की क्रांति ने किस तरीके से नेशनलिज्म के विचार को जन्म दिया, या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे जो है वो फ्रांस की क्रांति से निकला. इज इट क्लियर? उसके बाद दूसरा है नेशनलिज्म इन फ्रांस. फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो नेशनलिज्म आया, उसने कैसे जो है नेशनलिज्म को फ्रांस में फैलाया. और इसमें हमारा एक टॉपिक होगा नेपोलियन बोनापार्ट. एज यू नो, नेपोलियन ने शासन किया था फ्रांस पर, तो उसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, उसने कुछ कानून परिवर्तन किया, उसने कुछ चेंजेस किए, जिसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता है. इनके बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म का यूरोप में जान. तो हम इसको जो है वो ये सारे सब पॉइंट्स जो आपके सामने हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 19th सेंचुरी थी, इस 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इस 19th सेंचुरी में जो है वो फ्रांस फोर्स नेशनलिज्म को जो है वो फोर्स मिली, ताकत मिली. और ये 19th सेंचुरी आप सबको पता होगा कि 1800 टू जो है हमारी 1900 की सेंचुरी, हम सेंचुरी में बैक चलते हैं, तो 1900 टू 1900 की जो सेंचुरी थी, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो हमारा नेशनलिज्म था वो बहुत तेजी से ताकत पकड़ने लगा. और नेशन स्टेट का विचार, कौन सा विचार, नेशन स्टेट का विचार तेजी से जोर पकड़ने लगा. और नेशन स्टेट आने से पहले क्या था कि बिफोर द नेशन स्टेट द concept of modern state existed on in the Europe and the countries. तो क्या था कि nation state का विचार आने से पहले, ये nation state जो फ्रांस की क्रांति से या फ्रांस की क्रांति के बाद जन्म हुआ जिसका, तो nation state के आने से पहले modern state पाए जाते थे कुछ European countries. तो फ्रांस की क्रांति ने इस आइडिया को, किस आइडिया को, नेशनलिज्म को, फ्रांस की क्रांति ने नेशनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया. तो फ्रांस जो है, हियर द मेन बेस इज फ्रांस. तो हम फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस की स्टार्टिंग को जो हम 9th में पढ़कर आए हैं उसको लेकर चलेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है वो इस विचार को, नेशनलिज्म के विचार को बढ़ावा दिया. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी हमारी, जिसके जो हमारा स्टार्टिंग नेशनलिज्म का है, जहां से हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो है फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म का सबसे पहला एक्सप्रेशन, सबसे पहला जो है रूप कहां देखने को मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन में. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है दैट गेव द बर्थ, हम कह सकते हैं कि क्या था फ्रांस में. फ्रांस में आपको पता है मोनार्की का शासन था, बुर्बो वंश का शासन था, ये आप 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़कर आए हैं. तो उस बुर्बो वंश यानी राजवंश यानी मोनार्की सिस्टम जो था, मोनार्की जो था उसको खत्म करके जो सोवर्जिनिटी थी, सोवर्जिनिटी प्रभु सत्ता, शासन करने की सत्ता, द पावर टू रूल, प्रभु सत्ता जो है वो शासन करने की पावर जो है वो मोनार्की से पहली बार ट्रांसफर कर दी गई, रिप्लेस कर दी गई, कहां, टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, फ्रांस के लोगों को. तो फ्रांस की क्रांति से पहली बार ये हुआ था कि फ्रांस की क्रांति ने सबसे पहले जो है वो जो मोनार्की की पावर थी, जो राजवंशीय घरानों की पावर थी, फ्रांस की क्रांति ने सबसे पहले शासन की पावर ट्रांसफर कर दी थी, दे दी, सौंप दी थी सबसे पहले फ्रांस में, फ्रांस के लोगों को. ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे पहले फ्रांस में हुआ था कि पहली बार मोनार्की राजवंशीयता जो है वो ले, राजवंशीय घरानों से जो मोनार्की सिस्टम था उससे लेकर के किसको सौंप दी गई, फ्रांस के लोगों को सौंप दी गई. तो ये हमारा स्टार्टिंग में फ्रांस का एक इनिशियल स्टेप है. सो
तो फ्रांस की क्रांति ने क्या विचार दिया, नेशन स्टेट का विचार दिया, फ्रांस एक नेशन स्टेट बना। तो क्या होता है नेशन स्टेट? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट होता है बेटा जिसकी टेरिटरीज वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड टेरिटरीज हो, कि हमारे देश की सीमा, इस राज्य की सीमा यहाँ यहाँ तक, इस एरिया तक फैली हुई है, और उनके उस देश के लोगों के बीच में शेयर्ड ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, सॉरी सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी हो, यानी लोगों के बीच में, हमारे आपके बीच में, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एज अ नेशन स्टेट हम बात करें, इंडिया की यहाँ हम जिक्र करते हैं, कि हमारे और आपके बीच में एक, सभी लोगों के बीच में ये भावना है कि हम भारतवासी हैं, यानी हम कॉमन आइडेंटिटी अपने क्या बताते हैं, हम इंडियन हैं, भारतवासी हैं। तो नेशन स्टेट होता है जिसकी क्लियर डिफाइंड टेरिटरी होती हैं, क्लियर डिफाइंड टेरिटरीज होती हैं, कि बता सके कि हमारे सीमाएं जो टेरिटरीज हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं। और दूसरा कि सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, लोगों के मन में एक सामूहिक रूप से एक साथ जुड़े होने की भावना होती है। दे शेयर्ड हिस्ट्री, उनका इतिहास एक जैसा था, मेरा आपका, आपके पूर्वजों का, दादा परदादाओं का, मेरे परदादा परदादाओं का, सबका, हमारे आसपास के सभी लोगों का एक कॉमन इतिहास है बेटा। मींस हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो सबके एक जैसे हिस्ट्री को पास आउट करके आए हैं, जी कर आए हैं, और उसके जैसे कि हम कहें कि हम अंग्रेजों से सभी इकट्ठे स्ट्रगल कर कर आए हैं। तो ये क्या है, हिस्ट्री हमारी कॉमन है, सेट हम एक जैसा इतिहास आपस में शेयर करते हैं, और स्ट्रगल नेशन स्टेट बनाने के लिए हम सब जो एक देशवासी होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, हम अपने भारत के लिए, हमने भारत बनाया को आजाद कराने के लिए, सबने, आपने, हमने, आपके पूर्वजों ने, सॉरी आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है वो स्ट्रगल की आजादी के लिए। तो दैट इज नेशन स्टेट, इज इट क्लियर? तो नेशन स्टेट क्या है, जिसकी एक क्लियर डिफाइंड टेरिटरीज होती हैं, जिसकी कॉमन, लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री होती है, और स्ट्रगल करने के लिए कॉमन जो है उनके अंदर ये कॉमननेस पाई जाती है। दीज आर द पॉइंट्स, और वी कैन से नेशन स्टेट। तो ये सब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशन स्टेट का विचार दिया, ये नेशन स्टेट का विचार जो है फ्रांस ने दिया, तो इससे क्या, कैसे आया ये सब, नेशन स्टेट का विचार कैसे आया, क्या हुआ था, किस तरीके से नेशन स्टेट का विचार या नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस में जनरेट हुई, किस कारण से हुई, तो यहाँ हमारे सामने है स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। जो हमने बात की कि नेशन स्टेट में कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, कि हम अपनी एक सामूहिक पहचान मानते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इस देश के वासी हैं, तो इस तरीके से कॉमन आइडेंटिटी कैसे आई, जब कुछ कॉमन एफर्ट्स किए जाएंगे, जब लोगों को कुछ कॉमन लगेगा, लोगों को आपस में एक दूसरे से कुछ लगाव जो है वो पैदा होगा, या कुछ ऐसी पहचान उनकी होगी, तो ये काम फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कुछ स्टेप्स, कुछ मेजर्स आप पढ़ेंगे कि कुछ मेजर्स जो हैं वो उन्होंने उठाए, कुछ स्टेप्स लिए, क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने द आइडिया ऑफ ला पर्शियन ला सिटियोन, जो ला पैट्रिया बोलते हैं इसको, ला पैट्रिया और ला सिटियोन का, उन्होंने लोगों को एक कॉमन वर्ड दे दिया, जैसे हम भारत माता बोलते हैं तो उन्होंने ला सिटियोन फादरलैंड बोल दिया, और जो है दूसरा लोगों को, जैसे हम भारतवासी बोलते हैं, उन्होंने अपने लिए ला पैट्रिया वर्ड यूज किया, सिटीजन ऑफ द फ्रांस, दे वर नोन एज ए ला पैट्रिया। उसके बाद फ्रेंच कल फ्लैग, फ्लैग एक बहुत ही बड़ा, एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करने वाला फैक्टर होता है, एज यू नो, हमारे देश के झंडे के साथ कोई अपमान करता है या कोई उसका तिरस्कार करता है, तो हमारे मन में एक देशभक्ति की भावना जागती है कि इसने ऐसा क्यों किया। और आप जैसे कि न्यूज में सुनते हैं कि पाकिस्तान के झंडे उठाए उन्होंने, तो हम उसके खिलाफ समझते हैं कि ये पाकिस्तानी है, तो क्यों, सिर्फ झंडे उठाने से ही हम समझ जाते हैं। तो फ्लैग अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल होता है, इट्स अ ग्रेट सिंबल टू रिफ्लेक्ट द नेशनैलिटी, नेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करने का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है फ्लैग। तो ऐसा ही जो एक नेशन स्टेट या नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने वाला जो स्टेप था, वो दूसरा स्टेप था, फ्रेंच ने अपना फ्लैग, ट्रिकलर फ्लैग जिसे कहते हैं, वो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नेशंस असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली,
अब फ्रांस के लोगों को एक कॉमन गवर्नमेंट चाहिए थी, एक सभी ऐसी सरकार चाहिए थी जो सभी की मिलीजुली सरकार, सभी के लिए काम करे। तो उन्होंने नेशनल असेंबली, आपने पढ़ा 9th में नेशनल असेंबली नामक एक सरकार बना। फिर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे देश में एक शासन, एक केंद्रीय शासन, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ये स्टेप उन्होंने उठाया कि पूरे देश में छोटे 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 राजाओं को छोड़ करके अब पूरा देश एक केंद्रीय ताकत के साथ चलेगा, एक केंद्रीय शासन के साथ चलेगा। और फ्रांस की जो छोटी छोटी क्षेत्रीय भाषाएं थी, फ्रांस में लौकिक भाषाएं थी, जैसे हमारे हर इंडिया में है पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, ये सारी रीजनल डायलैक्ट्स कहलाती हैं, लौकिक भाषाएं कहलाती हैं, ऐसे ही फ्रांस में भी थी। तो फ्रांस की इन क्षेत्रीय भाषाओं को खत्म करके फ्रेंच, मतलब फ्रेंच भाषा को प्रमोट किया गया, कॉमन लैंग्वेज बना दी गई फ्रांस, फ्रेंच भाषा, ताकि लोगों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज आ जाए और लोगों के अंदर यूनिटी पैदा हो। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो किए ही गए थे, जैसे माप तोल के साधन, हर हिस्से में, हर छोटे छोटे इलाके में मेजरमेंट के तरीके अलग अलग थे, वेइंग मेजर्स अलग थे, तो सबको कॉमन वेइंग मेजर्स दिए गए, रूल रेगुलेशन एक बनाए गए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, आप देखेंगे, ये चेंजेस किए, दे हैव टेकन दीज स्टेप्स टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ अ कॉमन नेशन स्टेट। अब आगे देखते हैं कि नेपोलियन कोड के बारे में हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने तो ये चेंजेस किए। इसके बाद बेटा फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति से जो है वो लोगों के अंदर एक सामान्य होने की, राइट्स की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की जागरूकता आने लगी। और उसी के साथ साथ पर आपने पढ़ा था 9th में कि फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेबल नहीं थे, चेंज होते रहे, और जिस कारण से क्या था कि फ्रांस के अंदर प्रशासन चेंज होता रहा, शासन बदलते रहे। एट लास्ट नेपोलियन ने वहां शासन किया। नेपोलियन जो कि पहले सेरा का कमांडर था, फिर वो जो है कंट्री का रूलर बन गया था, ये आप 9th में पढ़ के आए हैं। तो नेपोलियन ने जब शासन करना शुरू किया 1804 में एज अ रूलर, उसने जो है कुछ चेंज, थ्री मेजर चेंजेस किए जो नेपोलियन कोड या सिविल कोड के नाम से जाने जाते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804। तो 1804 में उसने कुछ सिविल को चेंजेस के, तीन मेजर चेंजेस जो है, एबोलिश ही एबोलिश द ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड बाय बर्थ, उसने बर्थ के आधार पर जो भी प्रिविलेजेस होते थे, यानी आप जानते हैं कि बुर्बो वंश में जब शासन था, मोनार्कियल सिस्टम था, तब क्या था कि जो लोग होते थे, जो उस समय जनता होती थी, उसको विशेष अधिकार नहीं थे, बल्कि जो राजघराने में पैदा होता था उन्हें विशेष जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ प्राप्त होते उसे अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा, उसने एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता क्रिएट की, सब बराबर होंगे। फिर उसने राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दिया। इसी के साथ साथ ये उसने कुछ विशेष चेंज किए, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि नेपोलियन ने जो है वो ये चेंज करने के साथ साथ जो उसके कंट्रोल्ड एरिया थे, जहां उसने अपने फ्रेंच टेरिटरी को बढ़ाया था, सीमाओं को फैलाया था, वहां उसने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, और इसी के साथ साथ उसने इन इलाकों में अपने कुछ चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या थे कि उसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया। उसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, किसानों को सर्व के चंगुल से बाहर निकाला, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बनाया, आर्टिशन और पीजेंट्स, आर्टिशन बिजनेसमैन सभी बहुत खुश थे, सब उसके टाइम में फ्रीडम को महसूस कर रहे थे, स्वतंत्रता महसूस कर रहे थे और खुश थे। और इसी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने, फ्रांस की सेना ने अपनी ये वाहवाही जो है दूसरे आस पड़ोस के यूरोपियन कंट्रीज में भी पहुंचानी चाहिए, और आस पड़ोस के जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी खुश थे। वो शुरुआत में आप देखेंगे पेज नंबर 9 पर, 7 पर, कि शुरुआत में नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता का दूत समझा जाने लगा, परंतु जैसे जैसे उन्होंने दूसरे राज्यों पर, दूसरे देशों पर कंट्रोल किया, इट बिकम क्लियर टूवर्ड्स द सिटीजन, लोगों को ये समझ आ गया कि ये सब दिखावा है, ऐसा नहीं है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नेपोलियन ने फ्रांस में अपने शासित अधिकृत राज्यों में किए, वो बाकी देशों के लिए उसने कुछ भी वैसा नहीं किया, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम जैसी
कोई भी चीज उसने जिन राज्यों जिन देशों पर कब्जा किया उसने वहां लागू नहीं की। तो ये तो था हमारा बेटे यूनिट फर्स्ट का, द फर्स्ट चैप्टर चैप्टर मेकिंग ऑफ यूरोप, और उसका यूनिट वन का फर्स्ट चैप्टर की यूनिट वन 1 पॉइंट जो है हमारा था वो हमने वन टॉपिक फर्स्ट टॉपिक पूरा कर लिया है। आप इसे पढ़िए समझिए एंड देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट।